मस्ती के मेले में मौत का झूला, खेल खेल में खौफनाक हादसा, एक बच्ची के दर्दनाक अंत की आंखों देखी, गुड़िया की आखिरी चीख। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा। सच्ची घटना में आज मेरे साथ देखिए एक मासूम गुड़िया की आखिरी चीख की दर्दनाक दास्तान। आप भी अपने बच्चों को लेकर कभी ना कभी मेले में जरूर गए होंगे। बच्चों ने झूला झूलने की जिद भी की होगी और आपने उन्हें झूले पर बिठा भी दिया होगा। उस बच्ची ने भी अपने मम्मी पापा से झूला झूलने की जिद की थी, लेकिन उस मासूम गुड़िया की जिद उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई। आप भी देखिए खेल खेल में खौफनाक हादसे की डरावनी आंखों देखी। मेले में इस झूले को देखकर बच्चों का दिल मचल उठता है। बच्चे झूले पर मस्ती करने के लिए उतावले हो जाते हैं और जब ये विशालकाय पहिया चक्कर लगाता है, झूले पर सवार बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। जमीन से आसमान की ऊंचाई पर और आसमान से दोबारा जमीन की तरफ झूले के हर चक्कर के साथ रोमांच बढ़ता जाता है। कभी ऊपर कभी नीचे, बच्चों को लगता है मानो वो हवा के साथ उड़ रहे हैं। झूले की ये ट्रॉली मासूम बच्चों के लिए हवा में उड़ने वाले किसी ऐसे घोड़े की तरह होती है जो उनके हुक्म पर उड़ता है और उनके ही हुक्म पर थम जाता है। कल्पना के घोड़ों पर सवार बच्चे जब हवा से बातें करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। दीन दुनिया से बेखबर बच्चे अपनी ही मस्ती में खोए रहते हैं। आंध्र प्रदेश अनंतपुर में भी ऐसा ही एक मेला लगा हुआ था। रविवार को सैकड़ों बच्चे मेले में छुट्टी का मजा ले रहे थे, तभी उस मेले में हुआ एक खौफनाक हादसा और मौत की चीख में तब्दील हो गई नन्हे मुन्ने मासूमों की किलकारी। मस्ती के मेले में मौत का झूला, खेल खेल में खौफनाक हादसा, एक बच्ची के दर्दनाक अंत की आंखों देखी, गुड़िया की आखिरी चीख। मेले में हुए दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी अब हम आपको तफसील से सुनाते हैं। अनंतपुर के जूनियर कॉलेज मैदान में कई दिनों से मस्ती का मेला चल रहा है। इस मेले को नाम दिया गया है रोबो एनिमल एग्जिबिशन। रविवार को इस मेले में काफी भीड़ भाड़ थी। एक तो रविवार था, ऊपर से स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, लिहाजा अपने मम्मी पापा के साथ मेले में मौज मस्ती करने पहुंची थी नन्हे मुन्ने मासूमों की फौज। वैसे तो मेले में तरह तरह के झूले मौजूद थे, लेकिन बच्चों की सबसे ज्यादा भीड़ लगी थी इस विशालकाय मेरी गो राउंड झूले पर। छोटे छोटे बच्चों को बैठाकर झूले का पहिया घूमने लगा। पहला चक्कर तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरा चक्कर पूरा होने से पहले ही झूले की ट्रॉली का नट बोल्ट खुल गया और उस ट्रॉली में बैठे बच्चे एक एक करके बाहर गिरने लगे। सबसे पहले ट्रॉली में बैठी एक बच्ची नीचे आ गिरी। आप भी देखिए, बोल्ट खुलते ही पूरी की पूरी ट्रॉली नीचे लटक गई। जैसे ही ट्रॉली एक तरफ लटकी, उसमें सवार वो नन्ही गुड़िया अचानक ट्रॉली से बाहर निकल आई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, वो बच्ची सीधे जमीन पर आ गिरी। हवा में एक चीख गूंजी और जमीन से टकराते ही लहूलुहान हो गई
10 साल की मासूम। बच्ची के साथ झूले की ट्रॉली में सवार तीन और बच्चे जमीन पर आ गिरे। बच्चे भी जख्मी हुए और जिन लोगों पर बच्चे गिरे उन्हें भी चोटें आईं। सभी को आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया। फौरन इलाज शुरू हुआ, लेकिन 10 साल की नन्ही गुड़िया यानी अमृता नाम की बच्ची तब तक दम तोड़ चुकी थी। मौज मस्ती का मेला उस बच्ची के लिए साबित हुआ मौत का मेला। मौत के झूले से गिरकर जख्मी हुए तीन बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में जख्मी दूसरे लोगों का भी इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ट्रॉली का कोई नट बोल्ट निकलने की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं कुछ लोग इस हादसे के लिए झूला चलाने वाले ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों का इल्जाम है कि ऑपरेटर को ढीले नट बोल्ट के बारे में आगाह किया गया था, लेकिन शराब के नशे में धुत ऑपरेटर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर उसकी जानलेवा लापरवाही ने मासूम अमृता की जिंदगी छीन ली। खबर है इस दर्दनाक हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ऑपरेटर की जमकर धुनाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है अनंतपुर पुलिस। सच्ची घटना के लिए अनंतपुर से कुचुलक कुमार की रिपोर्ट। झूले के ऑपरेटर ने अगर समय रहते ध्यान दिया होता तो यह हादसा टल सकता था। मम्मी पापा की नन्ही गुड़िया अमृता को बचाया जा सकता था, लेकिन उसकी एक लापरवाही ने मम्मी पापा से उनका सपना छीन लिया। ऑपरेटर की एक लापरवाही ने अमृता के मम्मी पापा को दे दिया जिंदगी भर का दर्द। सच्ची घटना में अब दास्तान टोल प्लाजा के दरिंदों की। वो दरिंदे एक लंबी गाड़ी में सवार होकर आए थे। वहां तैनात एक कर्मचारी ने टोल टैक्स मांगा तो वो आपे से बाहर हो गए। उसके बाद उस टोल प्लाजा पर खुलेआम हुआ ऐवानियत का तमाशा। टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी। सड़क के बेखौफ शैतानों का कहर। पहले गार्ड को पीटा, फिर गाड़ी में खींचकर घसीटा और फिर उसे सड़क पर फेंक कर भागे टोल के दरिंदे। टोल प्लाजा पर मारपीट और गुंडागर्दी की आपने एक से बढ़कर एक तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में कैद ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। यह सिर्फ गुंडागर्दी नहीं बल्कि दरिंदगी है। लग्जरी गाड़ी में सवार एक शख्स के सिर पर दौलत का ऐसा नशा चढ़ा हुआ था कि वो टोल प्लाजा पर तैनात एक कर्मचारी की जिंदगी छीनने पर उतर आया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें यूपी के जालौन की हैं। शनिवार रात वहां एक सफेद रंग की सफारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का नंबर था UP70DE6300। जाहिर है जब गाड़ी का नंबर वीआईपी था तो उसके अंदर बैठा शख्स भी खुद को वीआईपी ही समझ रहा था। शायद इसीलिए वो टोल टैक्स चुकाए बगैर ही आगे बढ़ने लगा, लेकिन टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने उसे रोक लिया। बस इसी बात पर गाड़ी में बैठे शख्स को गुस्सा आ गया। उसने पहले तो टोल पर तैनात कर्मचारी को भला बुरा कहा, लेकिन वो तब भी नहीं माना तो दबंग शख्स ने उसे हाथ पकड़कर गाड़ी में खींचने की कोशिश की। इसके बाद उसने अपने ड्राइवर को आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। दबंग शख्स की गाड़ी कई मीटर तक टोल कर्मी को घसीटते हुए ले गई।
और फिर उसे सड़क पर पटक दिया। सच्ची घटना के लिए जालौन से मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर में इन दिनों एक वीडियो ने हड़कंप मचा रखा है। वो वीडियो है एक वाटर टैंक का, जिसे कुछ लोगों ने स्विमिंग पूल बना दिया है। वो इस बात से बेखबर है कि उनकी करतूतों की वजह से पीने के पानी में घुल रहा है गंदगी का जहर। आप भी देखिए पीने के पानी में जहरीली साजिश की चौंकाने वाली कहानी। पानी में नहाते हुए लोग और जी भर के मस्ती करते बच्चे। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये पानी की गुप्त गुफा है या कोई स्विमिंग पूल। लेकिन जब आप इस स्विमिंग पूल का दरवाजा देखेंगे तो आपका ख्याल बदल जाएगा। हो सकता है कि अब आप कहें, अरे ये तो कोई तहखाना है। ऐसा तहखाना जिसके अंदर दाखिल होने के लिए बाकायदा सीढ़ी भी लगी है। ऐसा तहखाना जहां पानी में डुबकी लगाने वालों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन सवाल यह है कि इस तहखाने में पानी कैसे भर गया? आखिर क्या है पानी से भरे इस तहखाने का पूरा सच? तो सुनिए, ये पानी वाला तहखाना असल में एक वाटर टैंक यानी पानी की टंकी है। इसी टंकी के जरिए मध्य प्रदेश के सागर शहर में पानी सप्लाई किया जाता है। इस टंकी का पानी हर रोज हजारों लाखों लोगों की प्यास बुझाता है। लेकिन सागर शहर के लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनके पीने के पानी में कुछ लोग गंदगी का जहर घोल रहे हैं। और ये सब हो रहा है जिला प्रशासन की लापरवाही से। दरअसल इस टंकी का ये चेंबर कई महीनों से खुला पड़ा है, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। प्रशासन की इसी लापरवाही का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने पानी की टंकी को स्विमिंग पूल बना लिया है। लोग यहाँ आते हैं, जी भर के नहाते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। गहरी नींद में सो रहे सरकारी अफसरों को इसकी भनक तब लगी जब पानी की टंकी में नहाते हुए लोगों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आनन फानन में इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सच्ची घटना के लिए सागर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सच्ची घटना में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।